दोस्तों, दो बार पहली गेंद पर आउट, फिर भी सूर्य कुमार यादव की कोई गलती नहीं। मुंबई वनडे में पहली गेंद पर आउट विशाखापट्टनम में भी नहीं खुला खाता। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर सूर्य कुमार यादव वनडे सीरीज में एक रन के लिए तरस रहे हैं। दोनों मैचों में गोल्डन डक पर आउट होने वाले सूर्य कुमार यादव को मिचेल स्टार्क ने पहली गेंद पर आउट किया। दोनों ही बार वो स्टार्क की इन स्विंग का शिकार बने, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोई गलती नहीं है, ऐसा हम नहीं बल्कि दिनेश कार्तिक का कहना है। दिनेश कार्तिक का मानना है कि सूर्य कुमार यादव की कोई गलती नहीं है। सूर्य कुमार यादव को दरअसल इतनी खराब गेंद मिली जिसे खेलना मुश्किल है। दिनेश कार्तिक ने सूर्य कुमार यादव को दुर्भाग्यशाली बताया। कार्तिक का मानना है कि स्टार्क मौजूदा दौर के वनडे में बेस्ट गेंदबाज हैं। जिस तरह से गेंदबाजी उन्होंने सूर्य कुमार यादव को फेंकी, किसी भी बल्लेबाज के सामने मुश्किल हो सकती थी। दिनेश कार्तिक के मुताबिक सूर्य कुमार यादव की तरह दूसरा बल्लेबाज भी परेशान हो सकता है। अब भले ही दिनेश कार्तिक और कप्तान रोहित शर्मा का समर्थन सूर्य कुमार यादव को मिल रहा हो, लेकिन सूर्या के वनडे के आंकड़े सच में बेहद खराब हैं। सूर्य कुमार यादव T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, लेकिन वनडे में एक खिलाड़ी 20 पारियों में से सिर्फ 433 रन बना पाया है। सूर्या के बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं। ये साल वनडे वर्ल्ड कप का है, और अगर सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन ऐसा ही रहा तो उनका भारतीय स्क्वाड में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव तीसरे वनडे में धमाल दिखा पाएंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।